टांडा में नगर पत्रकार संघ का सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद जैन, राजेंद्र जैन, थाना प्रभारी विजय वास्केल, निसरपुर चौकी प्रभारी जेसी नीनामा, टांडा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेहा मालविया को नगर पत्रकार संघ ने सम्मान पत्र साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजगढ़ से बावड़ी मंदिर के पंडित पुरुषोत्तम भारद्वाज भी पधारे। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। बावड़ी मंदिर के पंडित पुरुषोत्तम भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार कपास कागज पर आकृति बनाता है, उसी प्रकार पत्रकार संस्कारों को गढ़ता है। कोरोना काल में विकट समय में भी पत्रकारों ने हौसला नहीं छोड़ा, वो अपना कार्य तनमन से करा। वहीं पुलिस प्रशासन डॉक्टरों ने भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ सुरेश माहेश्वरी ने भी अपने वक्तव्य में पत्रकारिता के बारे में बताया। इस अवसर पर नगर पत्रकार संघ के सदस्यों ने पंडित भारद्वाज का साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में धार जिले के वरिष्ठ पत्रकार व भाजपा संभागीय सह मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी व कपिल तिवारी भी मंचासीन थे। दोनों पत्रकारों ने संबोधित कर मार्गदर्शन प्रदान किया। नगर पत्रकार संघ में दोनों पत्रकारों का साल श्रीफल से भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आदिवासी लोक गायक आनंदीलाल भावेल भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए व अपनी सुमधुर गीत की प्रस्तुति दी। स्वागत भाषण नगर पत्रकार संघ अध्यक्ष विजय माहेश्वरी ने दिया। इस अवसर पर आयोजन समिति अध्यक्ष अनुराग सचान, नगर पत्रकार संघ सचिव हितेश वर्मा, तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष पप्पू शर्मा, नरेंद्र ठाकुर व नगर पत्रकार संघ के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार निर्मल जैन ने किया। आभार जितेन जैन ने माना। टांडा से नरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। संस्कारों को निर्मित करता है, केवल ये कहा जाए कि सूचना यहाँ से वहाँ देना ही उसका अपना कर्तव्य है, ऐसा पत्रकार परिवार में। और अक्षर का महत्व है कि अक्षर ब्रह्म है, कोई अगर ना हो कई समय